अब हम इसे फिटिंग करके देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल उसके साथ आ रहा है। नीचे से बॉटम भी उसका बिल्कुल फिक्स नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, फैब्रिकेशन के शो में खुश आमदीद। ये वीडियो कवर करते हैं फर्स्ट और यूज़ अपने कैंपस के तौर से पेश की जा रही है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल और एंगल फाइंड करना। अब हम देखेंगे जो हम एंगल फाइंड करते थे उनको अप्लीमेंट कहाँ पे करते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है। फॉर एग्जांपल आपको ये एक एंगल नज़र आ रहा होगा। अब हम इसे एक किस्म की एक ट्राई एंगल की शेप देते हैं कि ये पीस, हम ये वाला पीस जो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, देखिए ये हो गया अमूद, कायदा और पितर। अब देखिए यहाँ पे और नीचे दोनों तरफ ये गैप आ रहा है और हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल इससे कट लगे और ये इसके साथ बिल्कुल फिक्स बैठ जाए। तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, फिर हम इसे कट लगा के देखते हैं। आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जहाँ पे उसका कायदा है 450, हाइट है उसकी अमूद है 500 और वितर हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है जो इसकी बेस है 450 मिलीमीटर है और जो इसकी हाइट है वो है 500 मिलीमीटर है। हमने वितर फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन का इस्तेमाल, टेन इक्वल टू अमूद ओवर कायदा। इसका हम जब इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास टेन आ जाएगा। टेन का इन्वर्स लेंगे हमारे पास पहला एंगल निकल आएगा। पहला एंगल कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास होगा, फर्स्ट एंगल, ठीक हो गया। वो हमारे पास आता है 47.98। दूसरा फाइंड करेंगे, दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम 90 से 47.98 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास एंगल टू आ जाएगा जो हमारा ऊपर एंगल होगा ये वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें वतर फाइंड करना है। वतर फाइंड करने के लिए हम कॉज का इस्तेमाल करेंगे। कॉज का इस्तेमाल करते हुए हम वितर फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही है तो ये आएगा हमारे पास 672 मिलीमीटर, जो हमारा वतर होगा 672 मिलीमीटर होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आगे इसे क्या करना है। अब इसका है कि हमने एंगल तो दोनों फाइंड कर लिए, अब हमने इसे कट लगाना, वो किस तरह लगाएंगे। तो इसका जो फार्मूला है कट बैक का वो होता है टेन जरबे डाया। अब हमने 10 जो फर्स्ट फाइंड किया था एंगल वो था 47.98 और जो हम यहाँ पे यूज करें वो फ्लैट बार है, उसका डाया है 50 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 10 47.98 मल्टीप्लाई 50, हमारे पास जो कट बैक फर्स्ट आएगा वो 55 मिलीमीटर का है और दूसरा भी आपको नजर आ रहा है जो हमने दूसरा एंगल फाइंड किया था उसको भी डाया से मल्टीप्लाई करवाया तो दो हमारे पास इसके कट आ गए। अब हमने जो एंगल यहाँ पे फाइंड किए थे एंगल की वैल्यू 55 मिलीमीटर और 45 मिलीमीटर। अब जो हम निचली तरफ लगाएंगे वो हमारा होगा कट, जो होगा वो हमारा होगा 45 का और ऊपर वाली साइड पे हम लगाएंगे 55 का। ये लगा रहे हैं हम 45 मिलीमीटर का और जो इसकी दूसरी जान हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे, ये देखें अब इसको राइट एंगल का इस्तेमाल करते हुए ये एंगल लग गया। अब हम दूसरा एंगल लगाएंगे, अब ये हम सेकंड लगा रहे हैं, ये है 55 मिलीमीटर का। ये हमने दोनों एंगल लगा लिए। इस तरफ जो पहला हमारे पास एंगल फाइंड हुआ था जो ज्यादा डिग्री आई थी वो ऊपर लगेगी हमेशा और जो कम थी वो नीचे लगेगी, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। हमने फ्लैट बार को दोनों जानब जो कि कट लगा लिए हैं और कट किस तरह लगाए हैं कि जो हमने पहले वाला एंगल फाइंड किया था ये ऊपर अप्लाई होगा। 47.98 एंगल आया था, हमने क्या किया, इसको हमने किया था कट जो फर्स्ट निकला था 55 मिलीमीटर ऊपर की तरफ जाएगा और जो छोटा कट होगा एंगल होगा 42.02 उसको डाई के साथ मल्टीप्लाई करा के जो जवाब आएगा वो नीचे की तरफ अप्लाई होगा। तो अब हम इसे फिटिंग करके देखते हैं कि इसे फिटिंग किस तरह करते हैं। हमने कट लगा लिए थे, अब हम इसको फिटिंग करके देखते हैं। ये हमारा अमूद था 500 मिलीमीटर एक किस्म का और ये था 450 मिलीमीटर कायदा और जो हमने वितर फाइंड किया था वो था 672 मिलीमीटर। अब हमने इसकी डिग्री फाइंड की थी एंगल और हमने एंगल दोनों तरफ हमने टेन जर्व डाया करवा के हमने कट लगा दिए दोनों जानब। तो अब हम इसे फिटिंग करके देखते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल
फिक्स बिल्कुल उसके साथ आ रहा है, नीचे से बॉटम भी उसका बिल्कुल फिक्स नजर आ रहा है। यहाँ पे इसलिए फिट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 मिलीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 450 मिलीमीटर है। अब आपने देख लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, कि जो हम एंगल फाइंड करते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। ये देखिए एक किस्म की ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, इसे हमने अमूद कह दिया, ये कैदा और ये वतर हो गया। वतर तीनों चीज़ें हमारे पास है। अब हमने एंगल फाइंड कर लिया, एंगल फाइंड करने के बाद हमने टेन जरब डाया किया, हमारे पास जो कट बैक है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो हम कट बैक लगा दिए। और कट बैक लगाते हुए ये याद रखना कि अगर इसको हम फ्लैट बार को अंदर की तरफ कट लगा रहे हैं, दूसरा भी अंदर की तरफ ही लगेगा। तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स का इस्तेमाल, कट बैक का इस्तेमाल पता चल गया कि इसको किस तरह अमली तौर पर काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।